हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। स्वागत में आपको। जो कल मैच खेला गया पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच, उस मैच की जानकारी आपको दूंगा, जो वुमेंस आईपीएल में मैच खेला गया उस मैच की जानकारी भी आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल सके। मैं आपको बता दूँ, पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 156 रनों का स्कोर खड़ा कर लिया, जिसमें ब्रेंडन टेलर ने 20 रनों की पारी खेली और सीन विलियम ने 25 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली। इसके अलावा मडवीरा ने भी 70 रनों की पारी खेली, 48 बालों पे 9 चौके एक छक्के की मदद से ज़बरदस्त बल्लेबाजी इसने भी की। इसके अलावा चिकम्बोरम ने भी 21 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली और इसके और टीम को 156 तक पहुंचा दिया। गेंदबाजी की बात की जाए तो वहाब रियाज ने 37 रन देकर 2 विकेट लिए, हारिस रऊफ ने 2 विकेट लिए और उस्मान कादरी ने भी 1 विकेट लिया और टीम को 156 तक रोक दिया। 157 रनों का पीछा करने आई पाकिस्तान की टीम की शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त रही। फ़कर जमन ने 19 रनों की पारी खेली। इसके अलावा बाबर आजम ने 82 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली, 9 चौके और एक छक्के की मदद से 150 की स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हैदर अली ने 7, मोहम्मद हफीज़ ने 36 और आखिर में खुजल शाह ने चौका मार के टीम को जीत दिला दी और ये मैच पाकिस्तान ने 6 विकेट से जीत लिया। अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो मुजरबानी ने 4 ओवर में 26 रन लेकर 2 विकेट लिए, बाकी किसी गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की और ये मैच पाकिस्तान ने 6 विकेट से जीत लिया। अगर बात की जाए जो वुमेंस आईपीएल का मैच हुआ, उस मैच की जानकारी आपको दूं, पहले बल्लेबाजी करते हुए सुपर नवाज ने 146 रनों का स्कोर खड़ा कर लिया, बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया, जिसमें पहले प्रिया पूनिया ने 30 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली और अटो पट्टू ने 67 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली। इसके अलावा हरमनप्रीत कौर ने भी 31 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली और टीम को 146 तक पहुंचा दिया। अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो ड्योल ने एक विकेट लिया और गोस्वामी ने 1 विकेट लिया और टीम ने 146 बनाए और 147 रन टारगेट लग गया। जब ट्राई ब्लेजर बल्लेबाजी करने आई तो उनकी शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त रही। डॉटन ने 27 और समृति मन्ना ने 33 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली। इसके अलावा दीप्ति शर्मा ने 43 रनों की पारी खेली और हर्षलीन दोवल ने भी 27 रनों की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके और सुपर नवाज ने ये मैच 2 रनों से जीत लिया। अगर बात की जाए ज़बरदस्त गेंदबाजी की तो राधा यादव ने 2 और सलमान ने 2, इसके अलावा अनुजा पाटिल ने भी 1 विकेट लिया और टीम को जीत दिला दी 2 रनों से। ये मैच सुपर नवाज ने 2 रनों से जीत लिया। और अगर बात की जाए मैन ऑफ द मैच की तो मैं आपको बता दूं, अटू पटू को 67 रनों की ज़बरदस्त पारी की वजह से मैन ऑफ द मैच हासिल हो गया। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। थैंक यू।